नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। खबरों के सफर में हम दो अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं जिसका वास्ता सीधा आपसे है, जिसकी हलचल हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचती है, जो सत्ता के गलियारों से लेकर जनता जनार्दन के दहलीज पर अपना असर छोड़ती है। लेकिन उससे पहले हम 10 बड़ी खबरें से शुरुआत करते हैं, ऐसी खबरों के साथ जो हिंदुस्तान को चौंकाने वाली है, आप हिंदुस्तानी को जगझोड़ने वाली है, हमें सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। विराट 24 न्यूज की पहली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में समाजवादी बबुआ अखिलेश के हंगामे पर सीएम योगी का तंज, सपना टूटा है तो हंगामा करेंगे ही। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के सियासत के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शुरू किया कांग्रेस दिल्ली झंड, बीजेपी ने कहा अध्यक्ष में दौड़ नहीं लगा, शुरू की नौटंकी। तीसरी बड़ी खबर, चंडीगढ़ एमएमएस कांड में चौथे आरोपी का खुलासा हो चुका है, पॉन के इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ सकते हैं पूरे मामले के दाग। चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, दरअसल उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और दिन भी सत्र के भीतर सदन में भीतर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वार पलटवार करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया कि समाजवादी और सच नदी के दो किनारे की तरह है जो कभी मिल भी नहीं सकते। पांचवी खबर उत्तर प्रदेश से ही है, दरअसल कुछ दिन पहले मदरसों के सर्वे का काम शुरू हुआ, उसके पहले सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था जितने भी मदरसे हैं उन सभी का सर्वे कराया जाएगा, चाहे वह सरकारी मदरसे हो फिर कोई भी मदरसा हो, सबके बीच में यह बयानबाजी खूब हुई थी और अभी यह आग ठंडी भी नहीं हुई थी, सियासत की ही हो रही थी। अब एक और बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया, उत्तर प्रदेश के सारे जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनका भी सर्वे कराया जाएगा, यानी कि एक बार फिर से चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी के विधायक जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, सर्वे पर भी सवाल खड़े कर गए थे, तो उनका एक और मौका मिल चुका है। छठी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान पर अभी तक बकरी चोरी, भैंस चोरी, ये सब चोरी का आरोप लगाया गया था और इसके अलावा भी कई ऐसे मुकदमे हैं जो अभी भी इन पर चल रहे हैं उन पर, लेकिन आज एक और आरोप इन पर लग गया है, वह आरोप लग गया है कि किताब चोरी का। अब इन्हें लोग किताब चोर कहकर बुलाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल के सामने आई है उत्तर प्रदेश से, उसके बाद वाकई में लगातार जितने भी आरोप लगे थे उससे अलग एक और आरोप सामने आ गया था, किताबों की भी चोरी कोई कर सकता है, वह भी एक विधायक अपने ही राज्य में, जिससे बच्चे का भविष्य को संवारने की बात होती है, पढ़ाई लिखाई के लिए उनके हाथों में थमाई जाती है, उसकी भी चोरी कर ली आपने। सातवीं बड़ी खबर, दरअसल जो सामने आई है वो जम्मू कश्मीर से, जहां 32 साल के बाद मल्टी कॉम्प्लेक्स खुले हैं, उस जन्नत की वो तस्वीर जहां पर 32 साल तक मल्टी कॉम्प्लेक्स बंद रहा, कैसी तस्वीर थी जम्मू कश्मीर में देखा है हमने वहां पर, किस तरीके से भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब कश्मीर बदल चुका है, यह नया कश्मीर है और नए कश्मीर में नई तस्वीर एक बार फिर से 32 साल के बाद फिर देखने को मिली, किस तरीके से मल्टी कॉम्प्लेक्स से बाहर लोगों की रौनक देखने को मिल रही है, जब वहां से लोग बाहर निकल रहे थे रंग बिरंगी की तस्वीर देखने को मिली। आठवीं बड़ी खबर, जयपुर से गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, लंपी वायरस से गायों की मौत पर प्रदर्शन। नौवीं खबर, विधानसभा के बाहर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, लंपी वायरस को लेकर गहलोत सरकार पर लापरवाही का रूप। दसवीं खबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, डीसी के सामने छात्रों ने बड़ी संख्या में किया प्रदर्शन।